नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। देश में कोरोना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सभी राज्यों के सीएम अपने अपने राज्यों में आपातकाल बैठक बुलाकर अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं ताकि पहले जैसी स्थितियां पैदा ना होने पाए। इसी क्रम में आज लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना की स्थिति पर बयान दिया। मांडविया ने कहा कि हमने कोविड पर कोई राजनीति नहीं की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड 19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं। मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड 19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।